लेकिन पापा मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझे मरावा किया, शाबाशी की। अस्सलामु अलैकुम। इस कैन तो पाई छो कि रात को गांदरबलस मज अटैक क्या अटैक मज सात नफर मूद और इमो मज के नॉन लोकल और ओडिस के लोकल तो इमो लोकल मज डॉक्टर सोब यूजन बडगाम पे और तु वो इन घर मज मातम पूर बडगामस मज मातम तु वो एम सच वन क्या एम सचु क्या ये वीडियो मे वन वीडियो कर लाइक शेयर चैनल कर जरूर सब्सक्राइब चलो तब कर ये वीडियो प्ले तु वो वीडियो सो यहाँ एरिया में किसी का ड्रीम नहीं था। मैंने पापा को बोला आप डॉक्टर हो, सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन पापा मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझे मरावा किया, शाबाशी की। बोला बेटा मैं मजदूरी करूँगा, मैं आपके लिए खून पसीना एक करूँगा, लेकिन मैं आपको एक आईएएस ऑफिसर बनाऊँगा। लेकिन अब मैं मुझे लग रहा है अपने अपने हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अब क्या करूं। अब इस भाई जितना मुझे चलेगा बसरीजार जहां तक मुझे चलेगा मैं इसके लिए पाए कदम से लेकर पाए आखिर तक हर जगह कुछ करूंगा। इनको सहारा देने के लिए मैं आज जो हमारी गवर्नमेंट बनी उससे मोदी बारह गुजार किया, इस मद्देनजर इस मुसीबत इस नागहानी आप इस कयामत को देखकर इस खानदान के लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करे ताकि इन बच्चों का ख्वाब अभी कह रहा है कि मेरे बाप ने कल कहा कि मैं आपको आईएएस चाहे आईएएस बनाने वाला न रहा तो आईएएस कौन बनाएगा। अब इतना हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल पुलिस के कि हालात देखकर इस खानदान पर अपने दस्त शफा रखे और इस खानदान को एक ये महसूस न करेंगे क्योंकि डॉक्टर हमसे जुदा हुआ। और इतना ही हम हर एक से कि जितना चलेगा जिसको कि इस आवाज को आगे लेंगे और हमारे इस मुसीबत खानदान को इस गम से छुटकारा पाए। बाकी वसलाम। आपका शौक है आप आईएएस अफसर बनना चाहते हो, लेकिन मेरा एक ख्वाब मुझे लग रहा है पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा ख्वाब भी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा बाप मुझे कहता था मैं आपके लिए दिन रात एक करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, आपको लिखाऊंगा, आपको आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? आप ही बोले सर अब मुझ पे इतना बड़ा मुसीबत पड़ गया है, अब मैं कैसे अपने आप को संभालूं? अपने क्या करूंगा मैं, ये भी मेरी उम्र के, मैं क्या करूंगा? अब मैं मुझ पे मुसीबत आ पड़ी, मैं उस मुसीबत को कैसे हैंडल कर सकूं? अपने घर वालों को हैंडल करूं, अपने आप को संभालूं? अभी मैं छोटा हूं, मैं क्या करूंगा? अब आप ही कुछ बताएं सर। सबर सबर। फिर हम जाएंगे वो बहन के साथ, अब क्या कर सकते हैं हम? अब इंतजामिया से यही गुजारिश करते हैं कि हमें भरपूर मदद मिलना चाहिए इंतजामिया से। मैं एसएसपी बड़गाम से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, डीसी साहब से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चलो अल्लाह ताला करे जन्नत अल-फिरदौस अता और बी दिन एम सिंह गरिकन सबर। चलो यह अजिक वीडियो तुम्हें वीडियो वो पूरे कि क्या मसल गुत इन मोल सत्य अजिक वीडियो वीडियो कर लाइक शेयर चैनल कर जरूर सब्सक्राइब बीस वीडियो तैयार। अल्लाह हाफिज़।